कैनेडा तो पंजाबी नौजवान के कतल का मामला सामने आया है। एक घटना कैनेडा के नोवा स्कोशिया के नाल जुड़ी हुई है, जिथे अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी का चाकू मार के कतल कर दिता गया। एक खबर सामने आने तो बाद पंजाबी भाईचारे दे विच सोग की लहर देखने मिल रही है। जिस नौजवान का कतल किया गया उसका नाम भी जनता किया गया है। मृतक नौजवान का नाम प्रभजोत सिंह दसिया गया अते वह अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी के तौर के उपर कैनेडा गया सी। जानकारी के मुताबिक कुछ व्यक्तियों के ग्रुप वालों प्रभजोत सिंह के उपर हमला किया गया अते उसके गले के उपर चाकू के नाल वार किया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। दस दिए कि इस नौजवान के वास्ते हुण गो फंड मी चलाया जा रहा है ताकि उसकी बॉडी नू इंडिया भेजा जाए। जी हाँ, प्रभजोत के माँ बाप उसनू आखिरी बार देख सकन इसके करके गो फंड मी चलाया जा रहा है। खबर लिखे जाने तक 51,349 डॉलर इस गो फंड मी तहत इकट्ठे हो चुके ने, जबकि 55,000 डॉलर इकट्ठे करन दा टीचा रखा गया है। सत श्री अकाल जी, मैं निर्मल मान पूरा टैक्स सेटलमेंट तो यह तुम वीडियो देख रहे थे टीवी पंजाब के उत्ते। यहोजे होर जानकारी भरपूर वीडियो देखने वास्ते टीवी पंजाब के चैनल में सबसक्राइब करो, तो हेठ दिते हुए बैल आइकन के बटन दबाओ। सत श्री अकाल।